कौन बोला है? ये भक्तचरण दास का सरकारी है। चरण दास भक्त को न रही है उसको कोई पता है और क्या नहीं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं NBC 24। लालू प्रसाद यादव आज कई महीनों बाद पटना वापस लौट रहे। इस मौके पर उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, आज आप लंबे अंतराल बाद पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं सर? हाँ, बहुत लंबे अरसे से हम पटना में नहीं थे, हम पटना जा रहे हैं और वहाँ चुनाव भी है, बाई इलेक्शन तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में। कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने का। अभी तो डॉक्टर साहब से उन्होंने छुट्टी दिया है, एक महीना का दवा लिख के फिर आने आना है, इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पर। सर, वहाँ RJD और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है, कांग्रेस का क्या होता, कांग्रेस का गठबंधन और कांग्रेस हारने के लिए, हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि RJD का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्तचरण दास जो सरकारी है। चरण दास भक्त को न रही है उसको कोई पता है? बीजेपी के लोग ये बात कर रहे हैं कि आप उपचुनाव में प्रचार नहीं कर सकते हैं, हेल्थ ग्राउंड पे आपको जमानत मिली है। गलत बोलता है वो, कोई उस आधार पर नहीं मिला सर। ऑप्शन चेंज काटने के बाद सर, एक अंतिम सवाल यह है सर कि आप पटना जा रहे हैं, जिस तरीके से आपके पार्टी और परिवार में कोई नाराजगी नजर आ रही है सर, क्या लालू यादव इसीलिए पटना जा रहे हैं? क्या कोई नाराजगी? कुछ नाराजगी नहीं। तेज और तेजस्वी में सब कुछ ठीक है, दोनों हमारे बेटे हैं जी। प्रताप यादव सर, पाकिस्तान का मैच कुशेश्वर स्थान में। तो जैसा कि आपने देखा कैसे बीजेपी से अपने गठबंधन को लेकर भक्तचरण दास को कैसे बेबाक कुछ भी बोल दिया। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।